हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब तुम लोग? एग्ज़ाम हो गया? मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। कौन कौन बच्चे मुझे सुन रहे हैं मुझे जल्दी बताओ। पेपर कैसा गया तुम लोगों का? चलो बताओ जल्दी, पेपर कैसा गया तुम लोगों का? ऑल राइट चलो, मुझे लगता है ऑडियो वीडियो क्लियर है। सर पेपर तो बहुत इजी था। आरआर खतरनाक, रैपिड रिवीजन हमारा खतरनाक था। अमलगमेशन का इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था। वेरी गुड सर, एग्जम्पशन सब एग्जम्पशन को आएगा अब। टू मच इजी, थैंक यू सर, आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करवाए। सर बहुत अच्छा गया कंसोलिडेशन। चलो बहुत बढ़िया, जितने कमेंट्स अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे आए हैं, टेलीग्राम पे आए हैं, मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे दिखाऊं, मतलब क्या गजब के कमेंट बच्चों के आ रहे हैं। मैंने पोल लिया था और उस पोल के अकॉर्डिंग बच्चों ने क्या क्या बोला मुझे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अरे इंटरनेट नहीं है का? है, इंटरनेट है। गजब गजब हो गया, गजब हो गया, मस्त शानदार। आपको दिख रहा होगा यहां पर 37%, मतलब अगर मैं लास्ट वाला परसेंटेज छोड़ दूं जिन बच्चों ने बोला कि हम तो सिर्फ रिजल्ट चेक करने आए, पोल रिजल्ट चेक करने आए, मैक्सिमम बच्चों ने बोला है कि सर पेपर बहुत इजी था। कुछ बच्चों ने बोला है सर पेपर एवरेज था। बहुत कम बच्चों ने बोला है कि टफ था। टफ तो सिर्फ 4% बच्चों ने बोला है। इसका मतलब पेपर इजी था। एवरेज विथ लेंथी, कुछ बच्चों को पेपर लेंथी लगा। अब मैं आपको कमेंट दिखा रहा हूं, क्या गजब के कमेंट आए हैं भाई। मतलब यार अमलगमेशन क्वेश्चन पूरा का पूरा सर आपके टॉप 133 से, ठीक है सर आपका 133 क्वेश्चन गजब था। कंसोलिडेशन रिवीजन एक क्लास के बराबर, वाह भाई वाह शानदार। जो जो कमेंट आए हैं, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, क्या क्या कमेंट आए हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं, मतलब यार मजा आ गया होगा आपको पेपर देखे। और पता है मुझे मजा क्यों आ रहा है? मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी पिछले 2 दिन से जो भी मैराथन ले रहे थे, चाहे वो एएस का मैराथन हो, चाहे वो अमेलगमेशन हो, चाहे वो फिर कंसोलिडेशन का रैपिड रिवीजन हो, हमने जितना भी मैराथन लिया यार वो वेस्ट नहीं हुआ। वेस्ट छोड़ो, मतलब क्या क्या चीजें उन्होंने पूछी है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने जो मैराथन सेशन लिया है शायद डेडिकेटेडली इंस्टीट्यूट ने हमारा मैराथन सेशन से ही बना दिया पेपर। हाँ टॉप 133 क्वेश्चन, आप मुझे बताओ टॉप 133 क्वेश्चन, क्या कमेंट करना चाहोगे मुझे बताओ। सर का कुछ तो सेटिंग है आईसीआई में। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार ये टॉप 133 क्वेश्चन से इतना सारा पेपर कैसे आ सकता है, इतना सारा पेपर। मतलब मैंने ये 133 क्वेश्चंस इस सेंस में बनाया था कि यार बच्चों के कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, फिर भले किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए बच्चा कर लेगा। मतलब ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बस कंपनी के नाम चेंज कर दिए, फिगर चेंज कर दिए, कॉन्सेप्ट छोड़ो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए यार। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्या बोलते हो? तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये तुम सबको बताकर कि यार पेपर बहुत शानदार आया था। मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मेरे हिसाब से पेपर वॉज वेरी इजी। क्या सर पेपर लेंदी था? नहीं, मतलब कि मुझे तो एक बच्चे का कमेंट आया, मेरा ही स्टूडेंट है साहिल, उसने बोला सर मैंने तो पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया। एक बच्चे ने बोला सर मेरा पेपर हो गया था, मेरे को तो बस 10 मिनट, मैंने एडजस्टमेंट का चेक कर रहा था कि भाई सब ठीक है कि नहीं है। मतलब भाई साहब गजब गजब गजब, तुम्हारे कमेंट भर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं पढ़ के। सर इतने फास्ट हैंड चल रहे थे कि मेरा पेन टूट गया एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत बढ़िया, पेपर वाज वेरी इजी। सर आईसीआई को आपने ही तो नहीं दिया था ना क्वेश्चन पेपर, गुरुदेव आपने जो कराया सब आया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा नहीं है, बात यह है बस ऊपर वाला बैठा है, हमने हर बार अपने मैराथन में क्या बोला, राधे राधे बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और यही हुआ। हमने आगे बढ़ते गए, हम मैराथन में रुके नहीं, हमने बहुत सारा कंटेंट किया, पार्टनरशिप मैंने पूरा करवाया, पर पार्टनरशिप से थ्योरी मार्क्स का आया यार, क्या बोलूं मैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ एनालिसिस मैं आपके साथ करना चाहूंगा, ध्यान से देखना। नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, बाप रे बाप प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जिन बच्चों ने पार्टनरशिप छोड़ के गए होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। पार्टनरशिप से एक ही क्वेश्चन आया था, गार्नर वर्सेस मुरे का। मैंने आपको बोला था मैराथन में कि थ्योरी करके जाना, और गार्नर वर्सेस मुरे मैंने आपको स्पेसिफिकली थ्योरी बोली थी कि करके जाना बेटा।
ठीक है। उसके बाद नो बिग एएस लाइक एएस 19 20 22 26 बाप रे बाप। पर थैंक्स टू एएस मैराथन, क्या बोलते हो, थैंक्स टू एएस मैराथन कि हमने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए, जितने क्या, हमने तो पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए, और ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे टॉप 133 क्वेश्चंस में थे। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे हैं एएस 18 को छोड़कर। एएस 18 के भी तीन केसेस थे, उसमें से दो केसेस हमारे टॉप 133 क्वेश्चन में थे, ठीक है। और ये चारों क्वेश्चन अपन ने अपनी मैराथन बैच में डिस्कस किए थे जो अभी दो दिन पहले हुआ था, ठीक है। सो यार मतलब बहुत खुशी हो रही है, बट नो बिग एएस, एएस बड़े बड़े आए नहीं, ये तो मतलब अजीब हो गया। कंसोलिडेशन 30 मार्क्स, बाप रे, जहां कंसोलिडेशन से एक्सपेक्टेड होता है कि 10 से 12 मार्क्स का आएगा, वहां 30 मार्क्स का आया। अब 30 मार्क्स का कैसे आ गया, कंसोलिडेट पीएनएल पूछ लिया। मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, मैंने रैपिड रिवीजन में बोला था, मैंने अपने फेस टू फेस बैच में बोला था, हर रेगुलर बैच में बोलता हूं, बेटा कंसोलिडेटेड पीएनएल को मत छोड़ना, आएगा। मुझे बताओ कितने बच्चों को ध्यान है, मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार कहा है कि बेटा पीएनएल आएगा आएगा आएगा, डेफिनेटली आया, और वो हमारे टॉप 133 क्वेश्चन की लिस्ट में भी था और हमने उसको रैपिड रिवीजन में भी किया था। इसके अलावा थ्योरी 15 मार्क्स की आई, थ्योरी ज्यादा आई, बट जो भी थ्योरी आई वो अप्रोचेबल थी। जैसे उन्होंने बायबैक के कंडीशंस पूछ लिए, उन्होंने एलएलपी, तो यार पता रहता है एलएलपी आएगा ही आएगा। इसके अलावा थ्योरी, बायबैक की कंडीशन, एलएलपी, इसके बाद और थ्योरी क्या आई, और भी कुछ थ्योरी आई थी यार, गार्नर वर्सेस मुरे तो आई था, और भी कुछ थ्योरी आई थी मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो थ्योरी मेरे हिसाब से मैंने गलत लिख दी, थ्योरी जो थी वो 10 मार्क्स की थी, थ्योरी जो थी वो 10 मार्क्स की थी, एएस ओनली 20 मार्क्स। ये भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट निकला कि भाई एएस जो है वो सिर्फ 20 मार्क्स के एएस आए, सिर्फ 20 मार्क्स के एएस आए, जबकि लास्ट अटेम्प्ट में 35 मार्क्स के आए थे, उससे पहले 3-4 अटेम्प्ट में लगातार 30 मार्क्स के आए थे एएस, बट एएस सिर्फ 20 मार्क्स के आए। तो खुशखबरी इज 75 मार्क्स का पेपर, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 75 मार्क्स का पेपर हमारे टॉप 133 क्वेश्चंस में से आया। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे पेपर होने से पहले, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे टेलीग्राम पे ही कि ये 133 किसी काम का होगा क्या, इनका 133 करके जाएं क्या, करके जाएं क्या। अब समझ लो कि कितना काम का निकला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने मैक्सिमम चीजें आइदर मैराथन में कवर की थी, या तो टॉप 133 क्वेश्चंस में हमारे कवर थी, या फिर वो हमारे रैपिड रिवीजन में कवर हो गई थी। तो मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा जो बेसिकली हमारे एरिया के बाहर था। सर कंसोलिडेट पीएनएल में प्रोडक्शन कॉस्ट को अदर एक्सपेंस में लिखा है तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, कुछ खास डिडक्ट नहीं होंगे, टेंशन मत लो, ज्यादा डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलो सो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एएस 7 आया, एएस 9 आया, एएस 18 आया, एएस 17 आया, चारों क्वेश्चन हमने अपने मैराथन में भी डिस्कस किए थे और टॉप 133 क्वेश्चन का पार्ट था। अमेलगमेशन, तो भाई साहब मुझे अमेलगमेशन पे इतने कमेंट आ रहे हैं, तुम बताओ, तुम खुद बताओ, अमेलगमेशन का क्वेश्चन था नेपच्यून सैटर्न लिमिटेड करके एक क्वेश्चन था जो हमने कल के अमेलगमेशन मैराथन में हमने डिस्कस किया था, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन उठ के आ गया जो हमारे टॉप 133 में भी था, हमने मैराथन में भी डिस्कस किया था। बताओ मुझे ये अमेलगमेशन का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हमने कल के मैराथन में। कंसोलिडेट पीएनएल में शुरू से बोलता आ रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टॉप 133 में भी था और रैपिड रिवीजन में मैंने करवाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। उसके बाद एनबीएफसी, मैंने आपको कहा था नेट ऑन फंड्स, हमने ये मैराथन में कल किया था, याद होगा आपको, ये मैंने टॉप 133 में नहीं दे पाया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई नेट ऑन फंड्स का फॉर्मूला लिख के जाओ, आपका नेट ऑन फंड्स आएगा ही आएगा, तो नेट ऑन फंड्स आ गया। कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गया, रैपिड रिवीजन में हमने कवर किया था। गार्नर वर्सेस मुरे रूल, मैंने आपको मैराथन में बोला था कि बेटा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, तकलीफ में ना आ जाओ। बायबैक का मैक्सिमम परमिसेबल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, टॉप 133 क्वेश्चन में भी हमारा था। रिबेट हमने कल के मैराथन में इसको किया था, रिबेट वाला क्वेश्चन हमने कल के मैराथन में किया था, डिट्टो सेम टू सेम उठ के आ गया। उसके बाद बायबैक की कंडीशंस पे थ्योरी मार्क्स का क्वेश्चन आया था। लिक्विडेशन फाइनल अकाउंट सेम हमारा टॉप 133, सेम टू सेम
सिर्फ फिगर चेंज थे और हमने उसको मैराथन में भी डिस्कस किया था। एलएलपी की थ्योरी आना तय था, ईसॉप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था 5 मार्क का। सो पेपर वॉज वेरी वेरी गुड पेपर, मैं आपको बताऊं पेपर बहुत जबरदस्त था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्जम्पशन बहुत सारे बच्चों की आने वाली है। आप मुझे चैट पे बताओ किस किस की एग्जम्पशन आ रही है, चलो जल्दी बताओ कितने बच्चे एग्जम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। सर ऐसा लगा कि आपके 133 क्वेश्चन से पेपर बनाया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हैट्स ऑफ सर, वेरी गुड सर, 133, थैंक यू सर। 95, वाह माधव। छवि कह रही है उसकी एग्जम्पशन आएगी, मेरी तो आएगी, भागवत कह रहा है, वेरी गुड। आशीष 80 प्लस, सत्यम एग्जेम्प्ट, वत्सल 70, मेघा, जयश्री आपकी एग्जम्पशन आएगी, सत्यम एग्जम्पशन सर पक्का, विक्रम मेरी 100%, सौरभ, यश, दीपेश। अच्छा मुझे चलो ये बताओ एग्जम्पशन आएगी तो तुम जय सर को क्या बताओगे, जय सर को क्या खिलाओगे, चलो बताओ जय सर को क्या खिलाओगे अगर एग्जम्पशन आ गई तो, जय सर को क्या खिलाओगे यार। मेरे को ना तुम जिस सिटी में रहते हो वहां की सिटी में कुछ तो अच्छा मिलता होगा यार, तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी तो कुछ अच्छा बनाती होगी, क्या तुम मुझे क्या खिलाओगे, चलो बताओ। और एग्जम्पशन का वेट क्यों करें, बस पेपर खत्म हो जाएगा, हम अपनी मम्मी से कुछ अच्छा बनवाएंगे, जय सर को भेज देंगे, जय सर से एड्रेस ले लेंगे, क्या बोलते हो है? चलो बताओ जल्दी बताओ, अगर जय सर को कुछ खिलाना ही है तो फिर एग्जम्पशन का वेट क्यों करेंगे, हम तो भैया पेपर खत्म होने का वेट करेंगे और जय सर को भेज देंगे हम, क्या बोलते हो? आई बिलीव कि अगर आप मुझे भेजना चाहोगे तो मैं मना नहीं करूंगा बेटा, बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आपको क्या खाना है पार्सल करवाएंगे, नलायक को बोल दो, अगर सच में अगर कमिटमेंट कर दिया तो मेरे को चाहिए रहेगा फिर। भोपाल से हूं सर, शाहपुरा मोमोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अमृतसरी कुलचा, वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल खिलाना, बिल्कुल खिलाना। आगरा का पेठा मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल खिलाना। चॉकलेट खिलाना, हाँ जी बिल्कुल, चॉकलेट, लड्डू, कचौड़ी, वाह। चलो तुम्हारी खुशी देखकर ही बेटा मुझे मेरा पेट भर गया, मैं मजाक कर रहा था, बट आई नो कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा अभी तो तुम मुझे डेफिनेटली भेज दोगे, बट मैं ये देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा पेपर कितना शानदार गया है। कुछ बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, मे भी शायद उनकी स्पीड रह गई, बट मुझे जितना मैक्सिमम कमेंट आए हैं बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे टॉप 133 क्वेश्चंस में से 75 मार्क्स कवर हुए। अगर बात करें मैराथन की तो मैराथन में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुए, ये मैराथन 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 मैराथन, और इसके अलावा रैपिड रिवीजन से भी हमारा कंसोलिडेशन के दोनों क्वेश्चंस कवर हुए। तो अगर मैं मैराथन और रैपिड रिवीजन को मिला दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने 70-80 मार्क्स हमने अपने रैपिड रिवीजन और मैराथन में कवर कर लिए थे। थ्योरी 10 मार्क की आई थी, वो डेफिनेटली हम कवर नहीं करते, हम ये बोल देते हैं कि यार आप उसके थ्योरी को अपने हिसाब से कर सकते हो, लॉजिकल होती है। चलो बहुत बढ़िया, अमलगमेशन में डेफिनेटली स्टेप मार्किंग मिलेगी। 1 आवर पहले ही खत्म हो गया था, फ्री बैठकर क्या करना, तो ओवर अटेम्प्ट कर दिया, क्या कर रहे हो भागवत, ऐसा मत करो यार भगत, सॉरी। ऑडिट हार्ड आएगा, नहीं यार मुझे तो नहीं लग रहा हार्ड आएगा, देखो हमें नहीं सोच रहा है। चलो ये जो बात थी वो थी, अब बात करते हैं अगले पेपर की। देखो पेपर कितना भी अच्छा गया हो, पेपर कितना भी बुरा गया हो, ओवर कॉन्फिडेंट में मत आना। अगर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। कभी कभार पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खुशी में भी हमारी पढ़ाई नहीं होती है, याद रखना। मैं आज अभी पेपर रिव्यू देने तो आया ही हूं, पर यह आपको समझाने आया हूं कि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरा कोई पेपर अच्छा चला गया था सीए फाइनल में, मेरा हाँ ग्रुप टू में कॉस्टिंग का पेपर अच्छा चला गया था, फिर मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, इतना खुश हो गया कि मैं घंटों अपने दोस्तों से बात करने लगा फोन पे, तेरा कैसा, मैं अपनी झांकी लगाने लगा, अबे देख ऐसा होता है। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने 3 घंटे मैंने अपने खराब कर दिए। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आज अपना दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है ना। रवि तावरी सर वैसे भी अभी लाइव आने वाले हैं 7 बजे, मेरे हिसाब से 7 बजे का टाइम होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने अपना लिंक भी शेयर कर दिया है, मैं वापस से शेयर कर दूंगा। ऑडिट बहुत अच्छे से करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं, ऑडिट और EISSM बहुत सारे बच्चों की क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं होती है, वीकनेस होती है।
देखो साहब ऐसा है कि एडवांस अकाउंट्स में तो तुमने फ्रंट फुट पे आके खेल दिया, मुझे पता है कि तुम एफएम इको में भी ऐसा ही करोगे, पर ऑडिट और ईआईएसएसएम में आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। और मैं बोल रहा हूं कि आज अगर आपको खुशी का दिन है तो उसको वेस्ट मत होने देना, आज मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे पढ़ के जाना और 4 घंटे पढ़ने के बाद ही सोना। चलो मुझे बताओ कौन कौन बच्चा आज कितने घंटे देने वाला है, चलो मुझे बताओ कितने घंटे ऑडिट, आज ऑडिट का तुमने कितने आवर्स प्लान किया है। अगर तुम्हारा कोई प्लानिंग नहीं है तो मैं बता दूं कि रवि तावरी सर ने आज स्पेशली मैराथन रखा है 7 बजे अपने चैनल पे, वी स्मार्ट पे चैनल पे ही है और मैंने उसको शेयर भी कर दिया अपने टेलीग्राम पे। आज आपने कितने घंटे पढ़ने का बनाया है प्लान? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया सर ऑडिट के लिए, वेरी गुड। 8 आवर 4 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 4 से 5 घंटे, वेरी गुड वेरी गुड। सर 7 घंटे का प्लान है मेरा, वेरी गुड। प्लीज मुझे आंसर दे दो, क्या आंसर देना है बेटा तेरे को? 5 से 6 घंटे, 4-5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे नहीं, 3 से 4 मिनिमम आज आप अपना प्लान बनाइए। खुशी खुशी में ये ना कर देना कि तुम्हारा पेपर गड़बड़ हो जाए ऑडिट का या तुम्हारी प्रिपरेशन ना हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज जैसा पेपर गया है, जो भी गया है, अपने बाकी 3 पेपर बचे हैं, एक बार 3 पेपर हो जाने दो, उसके बाद बहुत खुशी से बातें करेंगे। मुझसे बात करनी हो मुझे फोन लगा लेना, अपन हाजिर हो जाएंगे। बट अभी बस यहीं पर, इंसान को ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इंसान को अपने अचीवमेंट्स भी पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। आपका अचीवमेंट हो गया ना, अपने पास रखो और धैर्य रखो, समय आने पर अपने आप आपका अचीवमेंट सबके सामने आएगा, मार्कशीट के रूप में आएगा। क्या बोलते हो? समय आने पर आपका अचीवमेंट मार्कशीट के रूप में सबको बताएगा कि यस तुम्हारे में कितना दम है। बट अभी मुंह मत खोलना, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मेरा पेपर तो ये गया, अरे शानदार, आग लगा दी। हां तुमने लगा दी, पर ये बात अपने पास रखो, अपने पास रखो। वक्त आएगा सबको बताने के लिए कि हां हम में कितना दम है और देखो हमने क्या क्या उखाड़ा है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसी कोट के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहूंगा बाकी 3 पेपर्स के लिए। गॉड ब्लेस यू, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रे करूंगा जिन बच्चों ने एक्चुअली में मेहनत की है और जो डिजर्व होते हैं, मैं भगवान से उन सबके लिए प्रे जरूर करूंगा। राइट, ठीक है। सो इसी कोट के साथ आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर लेंगे विदा। और कोई लेक्चर मत देखना, अगर जाए नहीं, अगर अभी नहीं गए हो प्लीज लेक्चर को, यहां पर वीडियो को लाइक करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लाइक करके जाओ अभी के अभी, चलो अभी के अभी लाइक करके जाओ वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाओ। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने मैराथन में मुझे बहुत प्यार दिया और यही कहीं ना कहीं मेरी कमाई है। ठीक है, देखो यार, मनी मैटर्स अ लॉट डेफिनेटली, बट दिस थिंग जहां पर बच्चे इतना प्यार देते हैं ना यार, ये ना एक सुकून आता है और सुकून से ना नींद बहुत अच्छी आती है। तो आज मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। 3 घंटे से मैं सोच रहा था यार पेपर कैसा आएगा, कैसा आएगा, फाइनली इट वॉज डेफिनेटली गुड। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ऑडिट पर टाइम दीजिए, कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करने का टारगेट बनाइएगा। अगर जल्दी सो रहे हो तो भी 4 घंटे सो के जल्दी उठ जाना, मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पर आपको रवि तावरी सर का मैराथन मिल जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले लाइक जरूर करके जाओ, जल्दी जाओ बेटा। देखो लाइक नहीं करोगे फिर एग्जम्पशन नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, लाइक नहीं करोगे एग्जम्पशन नहीं आएगी। ठीक है, चलो बाय बाय।